दोस्तों CS रैंक गेम के लिए मैं आ गया हूँ न्यू हिडन प्लेस के साथ। मतलब कि CS रैंक गेम बरमुडा मैप के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस किया गया है, जैसे कि न्यू रिमनम विला ऐड किया गया है, साथ ही साथ मार्च इलेक्ट्रिक के मैप में चेंज किया गया है, कैप टाउन के मैप में चेंज किया गया है, साथ ही साथ रिवर साइड वाला जो मैप है इसमें भी चेंजेस किए गए हैं। मतलब कि CS रैंक गेम बरमुडा मैप के अंदर 4 प्लेस को चेंज किया गया है और इन्हीं चारों प्लेस पे मैं आपको न्यू हिडन प्लेस बताने वाला हूँ, जिसका यूज करके आप इनिमी को इजीली मार सकते हैं और CS रैंक गेम के अंदर अपना रैंक पुश कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और न्यू हिडन प्लेस को जानते हैं बरमुडा मैप के अंदर। तो सबसे पहला जो मैं आपको हिडन प्लेस बताने वाला हूँ वो रिवर साइड के आसपास है, ठीक ना। ये मिल और शिपयार्ड के बीच ये डैम है, डैम में भी थोड़ा बहुत चेंजेस है, मतलब डैम के मैप में चेंजेस है, जैसे कि ये कंटेनर के ऊपर कंटेनर आ गया है। तो यहाँ देखिए कौन सा हिडन प्लेस है, यहाँ आना है आपको, जस्ट एक जंप दो जंप करना है, ठीक ना। यहाँ थोड़ा एनालॉग बटन का यूज करना है और इसके ऊपर चढ़ जाना है। एक तो यहाँ से आप फाइट कर सकते हैं, दूसरा यहाँ से देखिए सिंपल जंप करके छत पे चले जाना है, ठीक ना। आपने देख लिया किस तरह से इस हिडन प्लेस पे जाना है और यहाँ पर आने के बाद आप इजिली इनिमी को मार सकते हैं, ठीक ना। इनिमी आपको बिल्कुल भी नहीं मार पाएगा, आप थोड़ा कवर का अच्छा यूज कीजिएगा तो आप इनिमी आपको मार ही नहीं पाएगा, लेकिन आप इनिमी को बहुत इजिली मार सकते हैं। आप यहाँ देख ही सकते हैं मेरे नीचे यहाँ 3 बंदा है और तीनों को मैं डैमेज दे रहा हूँ और ये लोग मेरे को कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि ये एकदम गजब का हिडन प्लेस है, ठीक ना। तो आप यहाँ देख रहे हैं कितना अच्छा से हम इनिमी को मार रहे हैं। तो चलिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ठीक ना। जब मेरा मैप अपोजिट साइड से स्टार्ट होता है, इस तरफ से जब स्टार्ट होता है रिवर साइड वाला एरिया इस साइड से स्टार्ट होता है, तो देखिए यहाँ मैं सेफ्टी के लिए आगे ग्लू बॉल लगा दिया ताकि इनिमी हमको नहीं मार पाए। और देखिए फर्स्ट जंप जूम करके यहाँ जंप करके दिखा रहे हैं, सेकंड जंप यहाँ ऊपर आना है, उसके बाद एनालॉग बटन यूज करके इसके ऊपर जाना है। और देखिए यहाँ पर आ गए आप, यहाँ आने के बाद आप इजिली इनिमी को मार सकते हैं क्योंकि बहुत हाइट वाला प्लेस है, ठीक ना। यहाँ से आप ऊपर नहीं जा सकते हैं, पीछे वाला इधर जो है इस साइड से ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन इसके अपोजिट साइड है, मतलब उस तरफ से भी सेम इसी तरह से जाना है आपको ऊपर, ठीक ना। पहले मैंने इनिमी को देख लिया, इनिमी उधर कंटेनर के पीछे छिपा हुआ है, मैं एकदम इनिमी के पास आ गया, ठीक ना। इनिमी को पता भी नहीं चला यहाँ मैं आया, यहाँ से जूम करके जंप किया, देखिए दो जंप में यहाँ पहुंचा। और यहाँ से जो जंप करना है, यहाँ से एनालॉग बटन का अच्छा से यूज करना है, हवा में ही टर्न लेना है, ठीक ना। आपने देख लिया हवा में ही एनालॉग बटन को टर्न कर देना है, उसके बाद मैं इजिली यहाँ आ गया, ठीक ना। सामने इनिमी है, इनिमी हमको देख भी नहीं पा रहा है, ठीक ना। उसको फुट स्टेप आ रहा होगा लेकिन पता नहीं चल रहा है इनिमी का, और मैं इसके ऊपर आ गया, ठीक ना। आपने देख लिया किस तरह इस छत पे आना है, और यहाँ आने के बाद तो आप इजिली इनिमी को मार सकते हैं। तो इस छत के ऊपर से इनिमी को मार मार के इस मैच को मैंने इजिली विक्ट्री करा दिया और मैच बुइए हो गया, ठीक ना। तो आप भी इस हाइडिंग प्लेस का यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हाइडिंग प्लेस जो है कैप टाउन के ऊपर है। कैप टाउन के ऊपर तो आपको पता है कैप टाउन मैप में बहुत ज्यादा चेंजेस किए गए हैं। तो आपका मैच जब इस तरफ से स्टार्ट होगा, देखिए इस तरफ से जब मैच स्टार्ट होता है तो आपको कहाँ जाना है मैं आपको बताता हूँ। ये एकदम मस्त वाला हिडन प्लेस होने वाला है, आपको यहाँ पर आना है, ठीक नहीं, यहाँ पर आपको बैठ जाना है, ठीक। आप बैठ गए, मतलब आपको नहीं बैठना है, आपको फ्रेंड को बोलना है बैठने के लिए। जैसे देखिए ये मेरा फ्रेंड आया, यहाँ बैठ गया और बस कुछ नहीं करना है। इनिमी भी यहाँ पर आपको नहीं मार सकता इनिमी, क्योंकि इधर से आने में बहुत टाइम लगेगा। आपको फ्रेंड के ऊपर जंप करके इस घर के ऊपर आ जाना है, ठीक ना। अब यहाँ से देखिए इनिमी को आप बहुत ईजिली मार सकते हैं, मतलब ये वाला हिडन प्लेस जो है एकदम गजब का है, क्योंकि पीछे से तो इनिमी आ ही नहीं सकता है यहाँ, या तो राइट से आएगा या सामने से आएगा। आप यहाँ देखिए दो इनिमी को हम कितना जल्दी डाउन कर दिया, मतलब ये वाला हिडन प्लेस एकदम गजब का है, एकदम मजेदार है। और ये एक न्यूली हिडन प्लेस है क्योंकि ये वाला घर पहले यहाँ था ही नहीं, OB40 अपडेट के बाद इस घर को यहाँ रखा गया है। और इस तरह का जितना घर है, ठीक ना, सिर्फ कैप टाउन मैप के अंदर नहीं, और भी मतलब सेंटोसा हो कि जो भी मैप के अंदर ये वाला घर है, आप कॉर्नर पे बैठ मतलब फ्रेंड को बैठा करके उसके ऊपर जंप करके आप हाइट मतलब घर के ऊपर आ सकते हैं। और इस कैप टाउन के मैप के अंदर इस तरह का बहुत सारा घर है, आप सारा घर के ऊपर जा सकते हैं और आराम से छत के ऊपर चढ़ के इनिमी को मार सकते हैं। लेकिन ये जो प्रॉपर ये वाला घर है, जिस घर के ऊपर मैं चढ़ा हूँ, ये सबसे बेस्ट पोजीशन है, यहाँ पर रहिएगा तो आप इजिली इनिमी को मार सकते हैं। हालांकि इस तरह का मतलब इस तरह का जो घर है किसी भी मैप के अंदर है तो आप इजिली चढ़ सकते हैं। जैसे कि देखिए ये सेंटोसा वाला मैप है, यहाँ पर भी आप इजिली चढ़ सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो चढ़ने में तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, एक कॉर्नर पर ग्लू बॉल लगा दीजिए। अगर ग्लू बॉल लगा दीजिएगा तो और भी आप आसानी से चढ़ सकते हैं। पहले आप फ्रेंड को बैठाइए, उसके ऊपर जंप कीजिए, आप देखिए कितना इजिली चढ़ गए, ठीक ना। मतलब इस तरह का जितना हाउस आपको मिलेगा, हर हाउस के ऊपर आप चढ़ सकते हैं, ठीक ना। मतलब ऊपर जाना है और यहाँ से आप इजिली इनिमी को मार सकते हैं। यही नहीं, बीच में जो सेंटोसा के बीच में ये बड़ा वाला घर है, इस घर के ऊपर भी आप चढ़ सकते हैं, ठीक ना। आप यहाँ देखिए सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर खड़ा होना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कॉर्नर पे आपको फ्रेंड को बैठाना है, फ्रेंड के ऊपर से चढ़ सकते हैं, ठीक ना। इस तरह से आप यहाँ जंप कीजिएगा, ऊपर चले जाएगा। हालांकि यहाँ मैं नहीं चढ़ पाया तो ग्लू बॉल लगा दीजिएगा, इजिली चढ़ जाइएगा, लेकिन यह इनिमी आ गया
है तो मैं आपको दिखा नहीं पाया, ठीक ना। लेकिन आप इस तरह का जितना घर है आप अपना फ्रेंड को बैठा करके ऊपर जा सकते हैं और ऊपर से इनिमी को मार सकते हैं, एकदम मस्त वाला हिडन प्लेस है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो अगला हिडन प्लेस है वो भी कैप टाउन मैप के अंदर है। कैप टाउन मैप का मतलब ये पुराना हिडन प्लेस है, लेकिन अब क्या है ना कि मैप के अंदर चेंजेस हो गए हैं। तो अब क्या होता है ना कि पहले हम लोग यहाँ से जंप करते थे सामने वाला घर के ऊपर चले जाते थे, लेकिन अब हम लोग जंप करके सामने वाला घर के ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो अब आपको क्या करना होगा मैं आपको बताता हूं। पुराने तरीके से तो हम ऊपर नहीं जा सकते हैं, लेकिन नया तरीका क्या है, आपको देखिए इस वाले कॉर्नर पे आना है। देखिए यहां आना है, आराम से इस बैरिकेड पे चढ़ जाना है, ठीक ना। यहां मैं जूम करके चढ़ रहा हूं सेफ्टी के लिए कि गिरूं नहीं। यहां से रन करके बस इस वाला हाइडिंग प्लेस पे आ जाना है, ठीक ना। और ये वाला हाइडिंग प्लेस जो ना पहले से भी गजब का हो गया है। घर का पोजीशन इस तरह से चेंज किया गया है कि यहाँ पर आप आ करके इनिमी को और भी आसानी से मार सकते थे, क्योंकि पहले क्या होता था, एक बड़ा वाला हाउस रहता था राइट साइड में, बड़ा वाला हाउस रहता था तो वहाँ से हम लोग को इनिमी मार देता था। अगर आप लोग इस घर के ऊपर चढ़ते थे तो बड़ा वाला हाउस से आपको मार सकता था। लेकिन अब क्या है ना, अब यहाँ पर एकदम सेफ्टी टाइप का हो गया है। अगर आप राइट कॉर्नर में रहिएगा तो सिर्फ राइट साइड से मार पाएगा, आपको जल्दी मार ही नहीं पाएगा इनिमी, लेकिन आप इजिली इनिमी को यहाँ से मार सकते हैं। मतलब कि पहले से गजब का हिडन प्लेस हो गया है, लेकिन आपको कैसे है मैंने आपको बता दिया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो न्यू हिडन प्लेस है वो न्यू रिमनम विला मैप के अंदर है। तो न्यू रिमनम विला मैप जैसे मैच स्टार्ट होता है, यहां से आप सामने देखिए एक घर है, ठीक ना। आप यहां पर इस घर के ऊपर आप अकेले और इजीली चढ़ सकते हैं। तो कैसे, देखिए सबसे पहले आपको यहां पर एक ग्लू बॉल लगा देना है और यहां पर से आपको जंप करके इसके ऊपर चढ़ने का कोशिश करना है। आप इस डायरेक्शन से चढ़िएगा तो आपको इनिमी नहीं मार पाएगा और आप इजीली इसके ऊपर चढ़ जाइएगा। उसके बाद यहां से जंप करके ग्लू बॉल पे चढ़ जाना है। थोड़ा इस फ्रेंड ने हमको दिक्कत दे दिया, मतलब चढ़ने नहीं दिया, थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था तो चढ़ नहीं पाया फर्स्ट टाइम में, और फिर से मैं ट्राई कर रहा हूं। तो यहां इस फर्स्ट करेट पे चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप जब कोशिश कीजिएगा तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और आप इजीली इसके ऊपर चढ़ जाएगा। उसके बाद यहां से देखिए इजीली आपको जंप करना है ग्लू बॉल के ऊपर, ठीक ना। और यहां पर से आप रन भी कर सकते हैं और चल करके आराम से छत के ऊपर आ सकते हैं, ठीक ना। और यहां थोड़ा फंबल हो गया था इसलिए जोन थोड़ा नजदीक आ गया है, लेकिन यहां से आपको ओपन व्यू मिलता है, अच्छा व्यू मिलता है और आप इजीली इनिमी को मार सकते हैं, ठीक ना। आप देखिए एक इनिमी को डाउन कर दिया, लेकिन यहां जोन आ गया क्योंकि थोड़ा फंबल हो गया था फर्स्ट टाइम में। तो यहां से मैं आगे जाता हूं, आगे इनिमी को भी मार सकता हूं। तो एक बार आपको मैं फिर से दिखा देता हूं, यहां आना ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए दो तीन बार आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप इजीली इसके ऊपर जा सकते हैं, ठीक ना। फर्स्ट टाइम में मैंने कोशिश किया तो नहीं चढ़ पाया, तो लेकिन आप इजीली जा सकते हैं। यहां पर आना है, देख लीजिए कितना इजीली इनिमी से भी बच करके आराम से, देखिए इनिमी भी आपको नहीं मार पाएगा। यहां आना है, यहां से सिंपल जंप करना है, उसके बाद चल करके यहां आ जाना है। आप देखिए कितना इजीली चढ़ गया और यहां से ओपन भी होता है, तो यहां पर से आप इनिमी को भी इजीली मार सकते हैं। और अपोजिट साइड में भी ये सेम हाउस होता है और सेम ट्रिक से आप घर के ऊपर जा सकते हैं और इनिमी को इजीली मार सकते हैं। तो आप लोग भी मेरे बताए कुछ न्यू हिडन प्लेस का यूज कीजिए और सीएस रैंक गेम के अंदर आप इजीली इनिमी को मार करके अपना रैंक पुश कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को जल्दी 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 से लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह का वीडियो आपको देखने के लिए मिल सके। तो चलिए मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर।